विपद को समय में यथोगत निरीक्षण पश्चात बाड़ी ने ध्वस्त बनाया खाने पानी प्रणाली आंशिक रूप में संचालन कर मेलम्ची को पानी सुंदरी जल पानी प्रशोधन केन्द्र में पथनांतरण करी तत्पश्चात 14 वटा वितरण इलाका में पानी संचालन करी 25,000 धारा में पानी वितरण कर फर्फिन खाने पानी प्रणाली ललितपुर में आंशिक रूप में पानी संचालन कर दक्षिण कालीन स्थित कुटुहुरे मुहान संचालन करी सैबू भैंसीपाटी खाने पानी प्रणाली में करीब 40 लाख लीटर पानी प्रतिदिन भंडारण करी ललितपुर महानगरपालिका र चक्रपथ बाहर खाने पानी वितरण कर 2081 असोज 11, 12 र 13 गते भारी ने निम्ताए विपद में काठमाडौँ उपत्यका भित्रका खाने पानी प्रणाली में पुर्याएको करीब 63 करोड़ बराबर को क्षति को प्रारंभिक मूल्यांकन संपन्न गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खाने पानी व्यवस्थापन बोर्ड भ्याली बोर्ड दिनानुदिन घट्दै गइरहेको काठमाडौँ उपत्यका भूमिगत पानी को रियल टाइम सतह मापन गर्न विभिन्न 21 स्थान में मोनिटरिंग वेल जडान गरिएको छ। दिशाजन्य लेदो फोहर पानी को अनुसंधान करी फैलन सकने संक्रामक रोग बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त को लगी वेस्ट वाटर बेस्ट इपिडेमिक सर्वेलेंस सिस्टम को ललितपुर को भैंसीपाटी में स्थापना करमंडो उपत्यका खाने पानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशालय पीआईडी काठमाडौँ जिला का ठमेल छत्रपाटी नरदेवी अनामनगर गरी थप 34.99 किलोमीटर पाइपलाइन को कार्यगत सुनिश्चित परीक्षण फंक्शनल ग्यारेन्टी टेस्ट संपन्न करी नियमित रूप में पानी संचालन को लगी तैयार गरिएको छ। कीर्तिपुर में 60 लाख लीटर र महानकाल चौर में 80 लाख लीटर क्षमता को पानी पोखरी निर्माण संपन्न गरिएको छ। नेपाल खाने पानी संस्थान ले दैनिक 4 करोड़ 10 लाख लीटर क्षमता सहित पोखरा महानगरपालिका में खाने पानी सुधार आयोजना को अधिकांश कार्य संपन्न भई परीक्षण स्वरूप संचालन में आएको छ। विराटनगर महानगरपालिका करीब 1 लाख जनसंख्या स्वच्छ खाने पानी उपलब्ध कराने उद्देश्य सहित खाने पानी सुधार आयोजना निर्माण कार्य सुरू गरिएको। खाने पानी मंत्रालयबाट भएका थप अन्य कार्य खाने पानी तथा सरसफाई ऐन 2079 जारी भए तापनि सोको निमौली हालसम्म नबनेको परिप्रेक्ष्यमा खाने पानी तथा सरसफाई निमौलीलाई नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ।